बाप के दो बेटे, लेकिन किस्मत जुदा जुदा है। एक पालने में लेटा तो एक परीक्षित झोल में पड़ाए। एक के लिए दासियां 56 प्रकार के भोजन बना के लाती हैं, लेकिन एक दुखिया लाल पालने को पत्तों में डाला जाता है, आंसू पिला करके बड़ा कर रही है। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। एक दिन उत्तम ने ध्रुव को देखा, ध्रुव ने उत्तम को देखा। उत्तम जो उत्तम थे वो ध्रुव से बोले, भैया तुम कहाँ रहते हो? ध्रुव बोले, भैया वो जो झोपड़ी दिख रही है मैं वहां रहता हूँ। उत्तम कहने लगे, मेरी बात सुनो, चलो आज मैं अपने पिता से मिलाने चल रही। परीक्षित जी, ध्रुव बोले, जो कौन सी खाने वाली चीज होते पिता? ध्रुव ये जानते हैं श्रम माँ होती है, पिता नहीं होता है। उत्तम बोले, या तेरे पिता नहीं है? बोले नहीं। बोले चलो आज खाएंगे। दोनों बालक उत्तानपाद की कचहरी में पहुंचे। उत्तानपाद ने अपने बालकों को देखा, बड़े खुश हुए। उत्तानपाद ने मन में सोचा, परीक्षित जी चलो आज बड़ी रानी के बेटा को खिला लें, छोटी रानी के तो बेटा को हम रोज ही खिलाते हैं। तो उन्होंने परीक्षित जी ध्रुव को लिया और लार प्यार करने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं परीक्षित जी, जिन्हें दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, बड़ी जलन होती है। तो ऐसा ही एक चुगला बैठा रहे, देख Thank you.